प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नीति आयोग की बैठक में न्यू इंडिया के लिए 15 साल के एक्शन प्लान का ऐलान किया। इसी के साथ देश में नेहरू युग से चले आ रहे पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था खत्म होना भी तय हो गया है। पीएम मोदी ने 15 साल के एक्शन प्लान के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था पर जोर दिया। इसके साथ ही नीति आयोग ने 15 साल में देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए 300 पॉइंट्स भी सुझाए, जिस पर सरकार की तमाम एजेंसियां काम करेंगी। साथ ही प्रगति का जायजा नीति आयोग की बैठकों में लिया जाएगा। नीति आयोग की बैठक में आयोग के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद पनगढ़िया ने देश में तेजी से विकास के लिए एक रोड मैप भी पेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी से एक देश एक संकल्प और एक चाहत की भावना का पता चलता है। 2022 तक सपनों को पूरा करें, नीति आयोग विकास के लिए 15 साल के विजन प्रोग्राम, 7 साल की मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी और 3 साल के एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। We have actually a draft of the 3-year action agenda, which we circulated to the chief ministers and the members of the council. The Prime Minister later in his closing remarks said that this is a draft on which please do send your comments. Lot of the comments were made obviously at the council meeting. न्यू इंडिया के लिए नीति आयोग ने 300 एक्शन पॉइंट सुझाए हैं। अरविंद पनगढ़िया ने इसका ऐलान किया। 15 साल में देश के विकास की दिशा और दशा तय करने के लिए 300 मंत्रों पर सरकार काम करेगी। इन एक्शन पॉइंट्स का अभी तक हालांकि खुलासा नहीं किया गया है। पनगढ़िया ने कहा कि 15 साल के एक्शन प्लान के लिए 300 सूत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य की वित्तीय जरूरतों और विकास की दिशा पर फोकस किया जाएगा। We could be in 15 years time by 2031-32, because the first year we are beginning of this 15 year period is the year 17-18, the current fiscal year. And after that, I gave them a little bit of glimpse of what the 3-year action plan or 3-year action agenda proposes. It is divided into some 7 parts and 24 chapters, and I very quickly summarized the essential outline of it to the chief ministers and other members of the council. पीएम मोदी ने सरकार, नीति आयोग और तमाम राज्यों से मिले जुले सिस्टम को टीम इंडिया का नाम दिया था। नीति आयोग की बैठक में इसके अलावा देश के 50 ओलंपिक मेडल जीतने, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के विकास, भूमि सुधार जैसे लक्ष्यों को भी सामने रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही वित्तीय सिस्टम में बड़े बदलाव का भी संकेत दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर का करने का समर्थन किया। अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो बजट पेश करने, वित्तीय वर्ष की तारीखों और टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा और सिस्टम में बड़े बदलाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।